फ्रेंड्स, आज का वीडियो है प्लांट केयर के बारे में। फ्रेंड्स, अगर आपको पेड़ पौधे पसंद हैं और अपने घर में प्लांट्स लगाए हुए हैं, गार्डन बनाया हुआ है, तो आपको पता ही होगा कि बहुत सारे कीट पेस्ट लग जाते हैं और कई बार पौधों को फंगल इन्फेक्शन भी हो जाता है, जिससे उनकी ग्रोथ रुक जाती है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसान है जो मैं आज आपको बताऊंगी। अपने पौधों को आप किस तरह से बचा सकते हैं किसी भी प्रकार के कीटों से। तो फ्रेंड्स, अगर आप मार्केट में मिलने वाले केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज़ करेंगे तो वो आपके प्लांट्स को नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो आपको कौन एक ऐसा सॉल्यूशन चाहिए जो कि ऑर्गेनिक हो, तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फ्रेंड्स, ये है नीम ऑयल। ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक है और ब्रांड नेम है इसका टर्निंग पॉइंट। आप अमेज़ॉन पर टर्निंग पॉइंट नीम ऑयल इस तरह से सर्च करिए तो आपको मिल जाएगा। इसे मैंने अमेज़ॉन से ही बाय किया है फ्रेंड्स। ये पूरी तरह ऑर्गेनिक है, ये आपके प्लांट्स को बिल्कुल किसी भी तरह के प्लांट्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो ये 100% सेफ़ है। तो इसमें इंग्रेडिएंट चेक कर लेते हैं। 100% प्योर वाइल्ड क्राफ्टेड रिफाइंड नीम ऑयल। नीम ऑयल का बॉटनिकल नेम होता है एज़ा डायरेक्टिका इंडिका। तो ये जो आपके प्लांट्स को है किसी भी प्रकार के कीटों से बचाकर रखता है, जैसे कि मिली बग्स हो गया या किसी भी प्रकार का फंगल इन्फेक्शन हो गया प्लांट्स को, तो उससे ये आपके प्लांट्स को बचाएगा। तो उसको यूज़ करना बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। सबसे पहले ये पाउच के फॉर्म में आएगा, आपको इसे शेक करना है। यूज़ करने से पहले आपको अच्छे से शेक कर लेना है। आपको ज़रूरत होगी पानी की। मैंने अपने मग को हाफ फिल कर लिया है और स्प्रे बॉटल की ज़रूरत होगी। इस तरह से मैंने स्प्रे बॉटल ली है, किसी भी टाइप की आप स्प्रे बॉटल ले लीजिए। तो इसमें 3 to 5 ml 1 liter पानी में आपको डालना है और फिर अपने प्लांट्स पर डायरेक्टली स्प्रे करना है। नीम ऑयल को आप डायरेक्टली स्प्रे नहीं करेंगे क्योंकि ये आपके पौधों को नुकसान पहुंचाएगा। फिर ज़्यादा इसको हमें वाटर में डाइल्यूट करके ही स्प्रे करना है। ऑलराइट, तो क्या करना है हमें, तो चलिए बनाते हैं अपना पेस्टिसाइड्स, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स। ये मैंने स्प्रे बॉटल खोला। वाटर आप हाफ मग ले लीजिए और हमें जो ये नीम ऑयल है बहुत कम डालना है। डायरेक्ट अगर आप स्प्रे करेंगे पूरा भर के तो वो आपके प्लांट्स को जला सकता है, इसलिए ध्यान रखिए हमें बहुत कम क्वांटिटी में इसका यूज़ करना है। ये मैंने थोड़ा सा डाल दिया, बहुत कम ही। अब हम इसको बंद कर देंगे। आप इससे कम भी डाल सकते हैं फ्रेंड्स। ये तो मैंने फिर भी थोड़ा ज़्यादा डाल दिया क्योंकि 1 liter पानी में 3 to 5 ml क्वांटिटी बहुत ही कम होती है। मैं इसको पानी से और फिल कर लूँगी। ये इसको हिला लेंगे तो तैयार हो गया हमारा ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स। तैयार है कीड़ों को मारने के लिए, किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से अपने प्लांट्स को बचाइए। तो चलिए चलते हैं मेरे गार्डन की तरफ और दिखाऊंगी आपको किस तरह से स्प्रे करना है। देख सकते हैं आप, ये हिबिस्कस का प्लांट है। तो इसको हम स्प्रे कैसे करेंगे, इसकी जेंटली इसको प्रेस करेंगे, इसकी लीव्स पर हमें स्प्रे करना है हल्के हल्के से। इस तरह से मैंने स्प्रे कर दिया और ज़्यादातर जो कीड़े हैं या बग्स हैं हिबिस्कस प्लांट में ही होते हैं, इसलिए इसको बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है फ्रेंड्स। इसको मैंने ये रस्सी से बांध कर रखा है क्योंकि ये काफ़ी नीचे की साइड झुक रहा था, तो अब ये फ्री है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें अभी चींटियाँ भी आ गई हैं, तो इसलिए मैंने सोचा इसको मैं नीम ऑयल के साथ स्प्रे कर दूँ ताकि ये सारी गायब हो जाए।
अब इस तरह से हम हल्के हल्के से प्रेस करेंगे और सारे लीव्स पर स्प्रे कर देंगे। इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। जब मैं इसे लाई थी ये बहुत छोटू सा था, अब ये काफ़ी बड़ा हो चुका है। तो इसमें मैं प्रॉपर फर्टिलाइज़र भी, कभी बनाना पील फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ। बनाना पील फर्टिलाइज़र बनाना बहुत ही आसान है। इसको इसका वीडियो मैं अलग से बना दूँगी, इसमें आप देख लीजिएगा। और दूसरे प्लांट्स जैसे आप एलोवेरा में यूज़ ना करें तो अच्छा, क्योंकि हम इसको फेस पे यूज़ करते हैं और भी इसको जूस एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ऐसे प्लांट जिनका हम जिनको हम जो एडिबल होते हैं तो उनमें आप ये यूज़ मत करिए। जैसा कि ये मैंने लगाया, आप देख सकते हैं ये मीठी नीम का प्लांट है। तो मैं इसे यूज़ करती हूँ कभी कभी, जब मुझे ज़रूरत होती है सब्ज़ी करी या किसी में डालना होता है तो मैं इसको यूज़ करती हूँ। तो मैं इसे इसको इसमें ये अपना नीम ऑयल नहीं डालती हूँ, स्प्रे नहीं करती हूँ, क्योंकि उसे वॉश आउट करना पड़ेगा और उसके बाद भी पता नहीं ये क्लियर होगा या नहीं। तो आप अपने फ्लावरिंग प्लांट्स में डालिए, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए ये फ्लावरिंग प्लांट्स, ये मैंने इसमें भी मैं स्प्रे कर दूँगी थोड़ा थोड़ा। ये फ्लावरिंग प्लांट्स मैंने डाल दिए। ये बेल वाला प्लांट है, इसमें देख सकते हैं लीव्स। अब आप देखिए लीव्स में थोड़े थोड़े पैचेस आ गए, येलो पैचेस, और थोड़ा सा इसमें इन्फेक्शन भी हो गया है। तो अब मैं इसे स्प्रे कर दूंगी। स्प्रे हो गया। मनी प्लांट में भी आप स्प्रे कर सकते हैं। दिस इज़ माय एक्सोरा प्लांट। हल्का हल्का सा ये स्प्रे कर दीजिए, कुछ नहीं, मिट्टी में नहीं डालना है, बस इसकी लीव्स में ही स्प्रे करना है, थोड़ा थोड़ा करना है, बहुत ज़्यादा नहीं।